हम शमशान घाट भी बनाने का काम करेंगे। लोग कब्रिस्तान बनाते हैं, शमशान भूल जाते हैं, लेकिन हम क्योंकि 85% लोग की आबादी को कोई भूल जाइए नहीं होती। गौर से सुनिए बिहार के पंचायती राज मंत्री और बीजेपी विधायक सम्राट चौधरी का ये बयान। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो एक बार फिर से सुन लीजिए। बार हम लोगों ने तय किया है नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार इस देश में 15 फाइनेंस के माध्यम से प्रत्येक गांव में जहां भी शमशान घाट की जरूरत होगी हम शमशान घाट भी बनाने का काम करेंगे। लोग कब्रिस्तान बनाते हैं, शमशान भूल जाते हैं, लेकिन हम क्योंकि 85% लोग की आबादी को कोई भूल जाइए नहीं हो सकता। सम्राट चौधरी शमशान और कब्रिस्तान को लेकर विवादित बयान तो दे ही रहे हैं, लेकिन उनका ये बयान ये भी दिखा रहा है कि बीजेपी स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने की जगह लोगों की मौत के बाद का इंतजाम करने में ज्यादा तत्पर है। शमशान घाट बनाने की बात मंत्री सम्राट चौधरी ने हाजीपुर में पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक में कही। सम्राट के बयान के मुताबिक जिन शहरों में दाह संस्कार के लिए शमशान घाट के लिए जमीन नहीं है वहाँ 15वें वित्त आयोग की राशि से जमीन खरीदकर शमशान घाट की व्यवस्था की जाएगी। आपको याद दिला दें कि बिहार में शमशान घाटों और लकड़ियों की कमी की त्रासदी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देखी गई थी। लगातार हो रही मौतों के दौरान लोगों को अपने प्रियजनों के शव का दाह संस्कार कराने के लिए शमशान घाट पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। इस दौरान शवों को जलाने के लिए घाटों पर मनमाने तरीके से पैसे लिए जाने का भी मामला सामने आया था। लेकिन सम्राट चौधरी के शमशान बनाने की बात से आरजेडी विधायक बिल्कुल वाकिफ नहीं रहते। उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करे, ना कि लोगों के अंतिम संस्कार करवाने का इंतजाम करे। बताइए कि जहां अस्पताल की जरूरत है वहां वो लोग शमशान बनाने की बात कर रहे हैं कि बिहार के गांव-गांव में शमशान बनाएंगे। बताइए अस्पताल की आवश्यकता है, कोरोना काल में जो पैसे लिए गए थे अस्पताल बनाने के लिए या कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए जो उपकरण है वो खरीदा जाएगा वैक्सीनेशन के लिए, और ये शमशान बनाने की बात कर रहे हैं। बिहार में हम लोग शमशान नहीं बनाने देंगे। बिहार में अस्पताल की आवश्यकता है, बिहार में अस्पताल बनाइए, स्कूल की आवश्यकता है, बच्चों की पढ़ाई दुरुस्त कीजिए। इस बयान पर राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या शमशान घाटों से ज्यादा लोगों को बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत नहीं। ये थी हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट बिहार तक।